आज के वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं ब्रेड पकौड़े। ब्रेड पकौड़े बनाने के लिए हमने यहाँ पे ले रखे हैं ब्रेड, प्याज, पनीर, आलू, जिसमें कि मटर और पनीर दोनों हैं, उबले हुए आलू हैं। ये है हमारे पास धनिया, मिर्ची और टमाटर। आपको भी इन्हें ऐसे महीन महीन ही काट के लेना है। बनाने के लिए हमने यहाँ पे बैटर बनाने के लिए ले रखे हैं अजवाइन, लाल मिर्ची और ये नमक स्वाद अनुसार, और हम इसमें ऐड करेंगे बेसन अपना। ये हमने 2 कटोरी बेसन लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक बैटर बना लेंगे। हमें गाढ़ा बैटर बनाना है जिसमें बिल्कुल भी लम्स ना पड़े। हमें इसे कंटिन्यू ऐसे ही चलाते रहना है 10 मिनट तक, ताकि इसमें बिल्कुल लम्स ना बन पाए। हमारा बेटा रेडी हो चुका है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। तब तक हम आलू बना लेते हैं हमारे ब्रेड पकौड़े की फिलिंग के लिए। ब्रेड पकौड़े फिलिंग के लिए आलू बनाने हैं। आलू बनाने के लिए हमने यहाँ पे इसमें लिया है ऑयल, जब ये तेल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, प्याज भून लेनी है। अब हमारी प्याज भून चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने आलू, मटर और पनीर। ऐसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ले हमने कट मार दिया, कोई नहीं, वो तो ऐड हो जाएगा। हम अपने मसाले थोड़े थोड़े आलू थोड़ा फोड़ लेंगे, क्योंकि हमें ना ब्रेड पकौड़े की फिलिंग करनी है। ज़्यादा बड़े होंगे तो फिलिंग करने में प्रॉब्लम हो जाएगी और फिलिंग भी सही से नहीं हो पाएगी, इसीलिए हम इन्हें हल्का हल्का मैश कर लेंगे। आपने वीडियो भी बना दी, हमारे आलू मैश हो चुके हैं। अब इसमें ऐड करेंगे अपनी टमाटर, मिर्ची और धनिया, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें इसके साथ। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी हल्दी पाउडर हल्का सा 1 चुटकी, और आधे चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, और इस सभी मसालों को डालने के बाद इसे मिक्स कर लेंगे। नमक डालने से ये सारे जो हमने सब्जियाँ डाली हैं वो गल जाएंगी और उसे फिलिंग करने में आसानी हो जाएगी। आलू का मसाला रेडी हो चुका है। अब हम अपने आलूओं को ढक के 10 मिनट के रख देंगे। अब हमारा ये ब्रेड पकौड़े की फिलिंग रेडी हो चुकी है। अब हम अपने ब्रेड को बीच में से काट लेंगे ऐसे ट्रायंगल शेप में। इसी से हम बाकी के सारे ब्रेड्स भी काट लेंगे। मसाले ब्रेड्स रेडी हो चुके हैं। पे आलू लगाएंगे और उसके ऐसे हम अपने दोनों ब्रेड पे आलू लगाएंगे, क्योंकि हम पनीर ब्रेड पकौड़े बनाएंगे तो बीच में एक पनीर का स्लाइस रखेंगे और इन दोनों को संग में लगा लेंगे जैसे सैंडविच बनता है। और अब हमें ऐसे ही सारे के सारे तैयार कर लेने हैं। अब हमने हमारे ब्रेड पकौड़ों को रेडी कर लिया है। अब हम इन्हें फ्राई करने के लिए ले जाएंगे। अब हम अपने ब्रेड पकौड़े को डिप करेंगे बेसन के हमारे बैटर में। इसको पूरा बेसन से कोट करना है और अब हम इसे फ्राई करेंगे। अब हम इसे फ्राई होने के लिए रख देंगे
जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर के फ्राई ना हो जाए तब तक हमें निकालना नहीं है। अब हम अपने ब्रेड पकौड़ों को पलटेंगे। अब हम इसे निकालेंगे। ऐसे हम दूसरे वाले को भी निकाल देंगे। और ऐसे हम इसमें सारे के सारे बैच फ्राई करेंगे। और बैच फ्राई होके रेडी हो चुका है। अब हम इसे भी बाहर निकाल लेंगे। अब हम इसे बाहर निकालेंगे। ऐसे ही हम दूसरे वाले को भी निकाल लेंगे। अब हमारे ब्रेड पकौड़े रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें सर्व करेंगे। हमारे ब्रेड पकौड़े सबके रेडी हो चुके हैं। ये हमने ब्रेड पकौड़े देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। अब अंदर से भी देखिए ना कितने सॉफ्ट और फ्लफी हैं। अंदर पनीर भी है। ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।